अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फॉसियस व्लॉग। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद रखती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और सर्दियाँ इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ स्पगेटी। मैं अपने स्टाइल में किस तरह से बनाती हूँ, और विद चिकन एंड बेल पेपर्स। तो खैर, दो पैकेट स्पगेटी मैंने ली, उसे मैंने पानी में नमक और ऑयल डाल के बॉईल किया। और फिर स्पगेटी बॉईल हो गई, उसके बाद फिर मैंने चार चौवे लहसुन के लिए उसे काट के ऑयल में, फिर मैंने उससे थोड़ा सा लाइक ऐसा सॉटे टाइप का ही करना होता है, ब्राउन ही करना इसको, गार्लिक को थोड़ी लाइट हल्की आंच पे रख के। ऐसा सच मेरा प्लान नहीं था इस, ये जो मैं बना रही थी इसकी मैं बना लूँ वीडियो, बस ऐसे ही एकदम से दिमाग में आया चलो इसकी वीडियोस बना लेती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। तो ये यस्टरडे नाइट मैंने बनाया, लास्ट नाइट को। तो ये चिकन का कलर अब चेंज हो गया है, और इसमें अब मैं डालूंगी द रेस्ट ऑफ स्पाइस। इसमें मैं डालूंगी ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर और सोया सॉस, विनीगर। अब मैं विनीगर इसमें ये डाल रही हूँ, 4 से 5 टेबलस्पून डालूंगी। सोया सॉस मैंने इसमें 2 टेबलस्पून डाला। ये चिकन पाउडर है, जंबो का चिकन पाउडर मैं यूज़ करती हूँ, बॉक्स में जो मिलता है क्यूब्स, क्योंकि छोटी छोटी क्यूब्स होती है और उसमें वो एक्सपेंसिव भी बहुत पड़ती है। तो इससे ज़्यादा बेहतर है, मैंने अपने पहले भी जब मैं रेसिपीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा देती थी रेगुलर बेस पे, तो मैंने आपको वो बॉक्स भी दिखाया था जंबो का चिकन पाउडर। चिकन पाउडर भी मिलता है, लैम का भी मिलता है, फिश का भी मिलता है, एंड वेरी इकोनॉमिकल, 4.99 का 1 kg शायद मिलता है, या 3.99 का शायद। तो वो आप बाय करें, वो ज़्यादा बेहतर। ओके जानी, ओके बेबी, या तो एक्सक्यूज मी, ये मैं लेके आई थी, जो ये मैं डाल रही हूँ आप चिकन चाउमिन का पैकेट बाज़ार से ही, फर्स्ट टाइम ही मैंने यूज़ किया है। इस द टेस्ट वॉज रियली वेरी वेरी नाइस, इसने इस पैकेट ने और चिकन पाउडर ने इसके जो है स्पगेटी का टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर दिया था। फिर उसके बाद जो मैंने ग्रीन पेपर काटी हुई, बेल पेपर्स रेड में थी मेरे पास और ग्रीन में, वो मैंने काटी, वो मैंने ऐड कर दी थी। और मैंने इसके बाद पे ग्रीन अनियन ऑन द टॉप, व्हेन इट्स डन देन आई पुट ग्रीन ग्रीन अनियन, उसके जो आगे के लीव्स होते हैं वो काट के मैंने वो डाले। तो दो पैकेट मैंने चिकन चाउमिन के ऐड किए थे, और उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से बहुत तेज़ आँच पे मतलब लाइक स्टर फ्राई कहते हो कर लिया। बस ब्लैक पेपर भी आपने देखी कि ब्लैक पेपर मैंने ऐड की थी 2 टेबलस्पून ऑलमोस्ट, और सॉल्ट मैंने इतना नहीं डाला, क्योंकि ये जितनी भी हम लोग सोया सॉस और ये जितनी सॉसेस वगैरह डालते हैं इसके अंदर भी सॉल्ट होता है। तो बस ये जब हो गया उसके बाद मैंने स्पगेटी इसमें ऐड कर दी, और झटपट ये चिकन चाउमिन जो है ये रेडी हो गई। इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइसेस, इफ़ यू वांट टू पुट मोर डिफरेंट वेजिटेबल्स यू कैन ऐड, लाइक हर इंसान के डिफरेंट वो पसंद होती है ना। तो मैं जैसे मटर वगैरह इतने ज़्यादा नहीं मुझे समझ आते स्पगेटी में स्पेशली, क्योंकि स्पगेटी जो है लंबी लंबी मटर छोटे छोटे से है, आप स्पगेटी खाते बाद में वो छोटी छोटी सी वो रह जाती है वेजिटेबल ना।
तो इसीलिए फिर इंसान लंबी लंबी जो ये आपने शिमला मिर्च मैंने काटी है इसी इसमें काटी है स्ट्रिप्स के शेप में, तो ज़्यादा बेटर रहती है। तो यहीं पे वॉइस ओवर फिनिश करती हूँ और आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो गिव मी अ थम्स अप। और जितने भी मेरे चैनल पे आने वाले नए लोग हैं, अगर आपको लगता है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे आपको मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन बहुत सबसे पहले मिल जाएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर गाइज़।